सर वी आर लाइव सो नाउ। दोस्तों, फिर से हम ले आए हैं जो हमारी टाइगर डे क्विज था उसके क्वेश्चन आंसर सेशन पे डिस्कशन। और जो हमने लास्ट क्विज जो जून मंथ की क्विज पे किया था और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो हमने सोचा कि टाइगर डे क्विज के लिए भी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करें और बताएं कि जो हमने प्रश्न पूछे थे 30 प्रश्न, उसके सही जवाब क्या थे। और हमेशा की तरह मेरे साथी संकल्प है मेरे साथ में इसका टेक्निकल एस्पेक्ट संभालने के लिए, और जो मेरे पहले गेस्ट हैं ध्रुव माहेश्वरी, ये लास्ट सेशन में भी आपने इन्हें देखा था और ये हमारी क्विज को अटेम्प्ट करते रहते हैं। लास्ट लास्ट सेशन में ध्रुव आपको कोई प्राइज नहीं मिला था। आप चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टाइम। ध्रुव को भी अभी तक रिजल्ट नहीं मालूम है, जैसा कि किसी को भी नहीं मालूम है। और इस सेशन के बाद में हम जो विनर्स हैं उन्हें अपने पेज पे डिक्लेयर करेंगे, और चूंकि भोपाल में अभी बहुत ज्यादा नेटवर्क के इश्यूज हैं तो हम पूरा जो कंप्लीट रिजल्ट कल डिक्लेयर करेंगे। एनीवे, और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हमारे साथ स्क्रीन पे तो पहली बार दिख रहे हैं, पर आप उन्हें स्क्रीन पे देखने के आदि हैं। मैं एमपी टाइगर फाउंडेशन की ओर से वेलकम करता हूं अभय भदौरिया का। बहुत सारे लोग इनका चेहरा नमस्कार। पहचानते हैं। बालवीर रिटर्न्स सीरियल आपने देखा होगा सोनी पे, उसके ये मेन किरदार हैं चिंटू मिश्रा। इसके पहले इन्होंने तेलानी रामा, क्या है मिस्टर पंचाल, बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। भोपाल के ही एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल स्कूल में 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। और आप देखिए इनकी कितनी डाइवर्स रुचि है। एक तरफ तो ये फिल्मों में रुचि रखते हैं, टेलीविजन में, और हमें मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के कॉज को हमेशा हेल्प करते रहते हैं। आपने इनकी वीडियोस देखे होंगे 1-1 मिनट के। इन्होंने हमारे जो फंड रेजर कैंपेन था अप्रैल में उसको बनाने में हेल्प करी थी, एडिट भी किया था और बाद में थैंक्स गिविंग मैसेज भी दिया था। सो भाई, थैंक यू वेरी मच। अब बिना देर करे हुए हम शुरू करते हैं। बैकएंड पे बिल्कुल सर, प्रेजेंटेशन चला रहे हैं निर्वाण। सो मैं निर्वाण से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंटेशन लॉन्च करें। तो टाइगर डे का क्विज है 2020 का, और पहला क्वेश्चन था ध्रुव, पढ़ेंगे क्या था पहला क्वेश्चन। दिस फेमस मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइस बिलोंग टू वन ऑफ द फेमस किंग फ्रॉम द साउथ हु वैलेंटली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेम द पर्सनैलिटी। तो आपने इसका आंसर करा था ध्रुव, क्या था आंसर? यस द आंसर आई थिंक टीपू सुल्तान। या दैट्स राइट, तो टीपू सुल्तान इज द करेक्ट आंसर। आई गेस बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया होगा, बहुत पॉपुलर है ये क्वेश्चन और इससे जुड़ा जो फोटोग्राफ है। सो अगला क्वेश्चन, टाइगर अभय। इन द स्पाय, द टाइगर स्पाय इन द जंगल इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव डॉक्यूमेंट्री मेड बाय बीबीसी। नेम द टाइगर रिजर्व वेयर दिस डॉक्यूमेंट्री वाज शॉट। सर दिस डॉक्यूमेंट्री वाज शॉट इन बांधवगढ़ आई थिंक सो। नो भाई, ये डॉक्यूमेंट्री बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री है, 3-पार्ट सीरीज था और इसकी शूटिंग पेंच में हुई थी 2004 से 2007 के बीच, और उसी के बाद ये पेंच बहुत पॉपुलर हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज पेंच। यस, बट नेक्स्ट टाइम। या सो ध्रुव, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया एंड मध्य प्रदेश रिस्पेक्टिवली। द सो आपने आंसर क्या इज आंसर लगाया? 15 इंडिया एंड 6 इन मध्य प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड ध्रुव, इट्स अ करेक्ट आंसर। तो 50 थैंक यू। पूरे भारत में टाइगर रिजर्व हैं और 6 मध्य प्रदेश में हैं। जी टाइगर बेयरिंग एरियाज इन इंडिया आर ग्रुप्ड इन हाउ मेनी मेजर टाइगर लैंडस्केप्स। तो अभय आपने क्या आंसर लगाया था इसका? सर मैंने तो इसका 6 लगाया था। ओ, तो फिर आप एक नंबर से चूक गए। एक्चुअली में इसका आंसर 5 है। एक्चुअली में ईस्टर्न लैंडस्केप और सेंट्रल लैंडस्केप को एक साथ क्लब करके स्टडी करा जाता है। सो पूरे उस लैंडस्केप का नाम है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न लैंडस्केप। कई बार लोग इसे कंफ्यूज होते हैं, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न को दो अलग अलग मान लेते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज 5। तो द ओके ऑप्शन सर, बी वॉज करेक्ट। जी विच एंशियंट डायनेस्टी इन इंडिया हैज अ टाइगर इन इट्स फ्लैग। आई थिंक द आंसर इज चोला डायनेस्टी। या ध्रुव, वेरी करेक्ट, चोला इज द बिल्कुल सर। करेक्ट आंसर। चोला डायनेस्टी के फ्लैग में टाइगर था, दैट्स राइट। जी द ग्लोबल टाइगर फोरम इज एन इंटरनेशनल गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी टू सेफ गार्ड द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर्स। इट्स प्रे एंड हैबिटेट अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन ऑफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ GTF। जी सर मैंने इसका किया, मैंने मेरे को इसका याद नहीं मैंने क्या टिक किया था। कोई बात नहीं,
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लोबल टाइगर फोरम है उसमें टाइगर रेंजिंग कंट्री होना चाहिए, और हमने देखा बहुत सारे लोगों ने यूनाइटेड किंगडम को ऑप्ट करा है कि यूनाइटेड किंगडम में बिकॉज वहाँ टाइगर नहीं है तो दिस मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ जीटीएफ, बट वहाँ पे बहुत कम टाइगर्स। हाँ, बट यूनाइटेड किंगडम इज द मेंबर ऑफ जीटीएफ एंड अनफॉर्चुनेटली रशिया विच हैज टाइगर अ गुड टाइगर पॉपुलेशन ऑफ साइबेरियन टाइगर इज नॉट अ मेंबर ऑफ, सो बी रशिया इज द करेक्ट आंसर। जी, द लोनली टाइगर अ बुक बाय हुगन एलन I reference to forest area which is now part of famous tiger reserve. Can you identify the rivers? The answer is I think Satpura Tiger Reserve. Yes, very good. Satpura is the answer. And मैं बता दूं कि ध्रुव का ज्यादा बचपन सतपुड़ा में ही बीता है, तो ये जवाब तो उसको सही देना ही था। जी, अगला प्रश्न। Who was the first person to shoot an image of wild tiger with the help of camera trap? Sir, it was Jim. Sorry, it was Mr. Kailash Sankla. No, Abhay, Kailash Sankla is not the correct answer. Actually, my Kailash Sankla sir is one of the most renowned wildlife expert and wildlife manager in India. But the correct answer of this question is F.W. Champion. So F.W. Champion is the correct answer for this question. So option B is the correct. G. Which statement among the following is correct? All in India, all tiger reserve have the Bengal tiger, Panthera tiger, tigris subspecies except from Corbett and other Tarai area reserve where the Indochina tiger subspecies are found. Second, Bengal tigers are the second largest subspecies among the presently existing subspecies of tiger in the world. Bengal tiger got the royal prefix Indian name during the tenure of the Lord Curzon to show gratitude towards British monarchy in 1905. The option B is correct. Yes, so the option sir, B is correct. जी सर, मैं आप आंसर तो आपने बताया, मैं सोचा था कि पहले स्टैटिस्टिक शेयर कर देता। जी प्लीज बताइए। हाँ सर, फिर आप उसको बताइएगा कि एक्चुअली सर जो ऑप्शन बी करेक्ट बता रहे हैं वो हमें जो आंसर्स मिले हैं उसमें थर्ड नंबर पे है। सबसे ज्यादा लोगों ने ए और सी को या ऐसा मार्क किया है, बी और सी को भी काफी लोगों ने मार्क किया है, पर ओनली बी इज करेक्ट। ऐसा एक्चुअली हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हमें दिखा रहे हैं वो ओनली 27% पीपल कुड आइडेंटिफाई दैट। ओके, तो सर आप बताइए। बहुत सारे लोग डक हो गए। या जी, सो बेसिकली रॉयल प्रीफिक्स का लॉर्ड कर्जन से कोई रिलेशन नहीं है। ब्रिटिश टाइम में एक परंपरा थी और रॉयल नाम जोड़ देने की, जो अब नहीं जोड़ा जाता है। एंड जो पहला पार्ट भी है, पूरे हिंदुस्तान में पूरे एक ही सब स्पीशीज मिलती है, पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस। सो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, the Bengal tiger is second largest after the Siberian tigers. Yeah, so next, this tiger image has a prominent feature which can help us to estimate the age of the tiger. Identify the feature. Sir, maine jo hai iska answer kiya tha B, size of a papillae. नहीं तो अभय, एक्चुअली मैं इसमें जो टाइगर के लिए थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव फीचर जो होता है वो उसकी नोज टिप होती है। ये टाइगर एकदम छोटा बच्चा होगा, बमुश्किल 2 साल का या 2.5 साल का। तो इसकी नोज टिप आप देखिए एकदम गुलाबी दिख रही है, और आप गूगल करके देखिएगा जो जैसे जैसे टाइगर की एज बढ़ते जाती है नोज टिप पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते जाते हैं, और जब टाइगर की एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो नोज टिप ऑलमोस्ट ब्लैकिश हो जाती है। सो दैट्स द वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर। बट उसके आईज के कलर से, या पेपलियाई बोलते हैं टाइगर की जो जीभ होती है उसपे छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे उसको स्किन को क्लीन करने में मदद मिलती है, उससे भी नहीं पता चलता है और जीभ से भी नहीं पता चलता है। तो द फीचर इज नोज टिप, द ऑप्शन डी। जी ओके। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया हैड अ टाइगर ऑन इट्स फ्लैग? ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज इज द करेक्ट आंसर। या वेरी ट्रू, आजाद हिंद फौज का जो झंडा था उसमें टाइगर बना हुआ था। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
The biggest and the smallest tiger reserves of Madhya Pradesh in terms of total area, core plus buffer, are, sir, it would be Kahana and Pench. नहीं भाई, इसका जो सही आंसर है वो है सतपुड़ा एंड पेंच. तो सो द ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. संकल्प, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही बताया है? सर, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एक्चुअली ज्यादातर लोगों को काना एंड पेंच आंसर लग रहा था. रफली अराउंड 50% हमारे जो व्यूअर्स, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन लोगों ने काना एंड पेंच को मार्क किया. एंड रफली अबाउट 25% लोगों ने ही सतपुड़ा एंड पेंच को किया, क्योंकि कोर और बफर दोनों मिला के शायद लोग कंफ्यूज हो गए थे. या दैट्स राइट. सो नेक्स्ट इज, as per the All India Tiger Estimation for 2018, Madhya Pradesh has the highest number of tiger in India, while Karnataka has the second highest as per the AITE 2014. Karnataka has the highest number of tiger in India, which state had the second highest number of tiger in 2014? And the, yes, I think Uttarakhand. Uttarakhand is the correct answer. So last estimation, Uttarakhand was at the second position, and Uttarakhand is again very famous for its Corbett Tiger Reserve, which is still highest tiger number in any, you know, tiger reserve in India. It has more than 200 plus tigers in one tiger reserve. So Uttarakhand is the correct answer. And sir, इसमें भी I think बहुत सारे लोगों ने, हमने क्योंकि इस वाले tiger reserve के इस बार के tiger estimation के फिगर्स को रिफ्लेक्ट किया था, तो बहुत सारे लोग सर मध्य प्रदेश से कंफ्यूज हुए. 51% लोगों ने मध्य प्रदेश, मैं भी कंफ्यूज हुआ था. बट मैंने आंसर टिक किया था उत्तराखंड, बिकॉज़ मेरे को पता था. मैं इसकी सर, मैं दो मिनट के लिए स्टोरी शेयर कर दूं अभय से. अभय, ये जो क्वेश्चन है, इसमें कर्नाटका और मध्य प्रदेश का रेफरेंस लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ही डाला गया था, और हम चाहते थे कि लोग एक बार इसको सर्च करें और पढ़े. मतलब उससे ये भी आइडिया लगता सब लोगों को कि 2014 और 2018 के बीच में एमपी ने कितना अच्छा प्रोग्रेस किया है. बिल्कुल, दैट्स राइट, दैट वाज द इंटेंशन. जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ पग मार्क बेस्ड ऑन द सेंसस? सर, इट वुड बी ये B option is the correct answer. Mr. Sarod Rai Chaudhary, Odisha के forest officer थे, और इनका एक और मैं आपको बहुत interesting चीज बताना चाहूंगा. इनके पास एक tigress थी, rather इन्होंने बहुत सारे wild animal को rescue किया था, और उनके पास रहते थे उनके घर में ही, और इनके पास एक tigress भी रहा करती थी जिसका नाम था खैरी, और वहाँ खैरी के साथ इनका बहुत ही close association था, और ऐसा कहते हैं कि खैरी के death के कुछ दिनों बाद ही मिस्टर चौधरी की भी डेथ हो गई थी. सो बट ये पगमार्क मेथड उन्होंने खैरी के पंजों को और बाकी टाइगर्स के पंजों को स्टडी करके ही किया था. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. या बिल्कुल सर. नेशनल एनिमल टाइगर हैज हैड बीन टू डिपिक्टेड ऑन टू डिफरेंट डिनोमिनेशन सॉरी ऑफ इंडियन पेपर करेंसी. आइडेंटिफाई द करेक्ट डिनोमिनेशन. इट्स रुपीज 2 एंड रुपीज 10. ये शायद बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपको केवल अपने नोट तलाशने की जरूरत थी. हालांकि 2 रुपए का नोट अब बहुत कॉमनली नहीं मिलता है, बट आप यस गूगल करके पता लगा सकते थे. तो रुपीज 2 एंड 10 इज द करेक्ट आंसर. जी, टू द टाइगर. अबे शायद आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है. सर, इट वाज 1972. नो, 72 नहीं है अबे इसका आंसर. इट्स 1969 इज द करेक्ट आंसर. और 1969 में ही हमने टाइगर स्किन का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था. 72 में हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट लगाया, और हमने और बहुत सारे दूसरे प्रतिबंध लगाए, बट 69 में हमने टाइगर स्किन को बैन कर दिया था एक्सपोर्ट होना इंडिया से. जी, especially with reference of tiger dispersal, among the following, which of wildlife corridor is no more of more of functional corridor? So it's
काना बांधवगढ़ कॉरिडोर। या दैट्स राइट, काना बांधवगढ़ कॉरिडोर अनफॉर्चुनेटली बीच में इतना ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट हुआ है कि अब वो एज एन कॉरिडोर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो बट अदरवाइज थैंकफुली बाकी तीनों कॉरिडोर अभी भी फंक्शनल है और वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड एनिमल की जीन्स का डिस्पर्सल बाकी तीनों से पॉसिबल है। सो द आंसर इज काना बांधवगढ़, सी ऑप्शन। जी SH Kailash Sangla, the first director of Project Tiger, noted this tiger land could not be included in the project Tiger primarily because of its small size. Later, this tiger land was notified as a tiger reserve and now is the popular place to see the wild tiger. Which tiger reserve is being referred here? Sir Sanjay. बांधवगढ़ इंक्लूडेड नहीं था बट बाकी वर्षो में बांधवगढ़ इंक्लूड हुआ। तो यहाँ पे ऑनरेबल श्री कैलाश शाकला जी इज रेफरिंग टू बांधवगढ़। जी The canon show in the picture, which has a tiger-inspired design, is related to one of the following kings. Identify the king. Yeah, it's Tipu Sultan. Second option. Oh, great. तो ये भी हमने लोगों को duck करने के लिए किया था कि लोगों को लगेगा Tipu Sultan पे दो-दो question नहीं पूछे जाएंगे. And the first picture is quite popular, but this one is not that popular. But thankfully आपने इसको सही पहचान लिया. Tipu Sultan is the correct answer. जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगा वो वाले क्वेश्चन हाँ। को हमने डक करने के लिए जरूर डाला था पर इस पे सर काफी सारे लोगों ने बाजीराव 2 को किया था। नहीं नहीं सर, अब है जो मेरे पास टोटल स्टैटिस्टिक्स हैं एक्चुअली सर दोनों लोगों ने मतलब दोनों ही क्वेश्चंस में टीपू सुल्तान बहुत सारे लोग गेस कर पाए थे या तो उन्होंने सर्च करके मिल गया या जैसे भी, तो हमारी स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन पे ज्यादा काम नहीं कर पाई। काम नहीं आया, अच्छी बात है यदि लोग जान पाते हैं सही आंसर, तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लोग अधिक से अधिक सही चीजों को जान पाए। जी जी व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बिटवीन द इयर्स ऑफ 2006 एंड 18? अप्रोक्स 6%। या दैट्स राइट अभय, 6% इज द करेक्ट आंसर। और हम जब 2006 से 2018 का ग्रोथ देखते हैं तो लगभग कंसिस्टेंट रहा है हर टाइगर एस्टिमेशन में। ओवरऑल अवर ग्रोथ इज 6% पर एनम, सो दिस वाज द राइट आंसर। अदर देन द पग मार्क्स, व्हिच टाइप ऑफ साइंस आर फाउंड इन मैक्सिमम अबंडेंस अमंग द फॉलोइंग टाइगर प्रेजेंट? साइंस कलेक्टेड ड्यूरिंग ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन फेज 1 ऑफ कार्निवोर साइंस सर्वे। जी ध्रुव, आपने क्या लगाया? लास्ट ऑप्शन टाइगर स्कैट्स। नो ध्रुव, अनफॉर्चुनेटली ये वाला आंसर आपका सही नहीं है। एक्चुअली में जब टाइगर जमीन पे चलता है ना तो पगमार्क के अलावा वो जमीन पे खरोंचते हुए बहुत सारा चलता है, तो स्क्रैपिंग मार्क्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लगभग मैंने साइंटिस्ट से पूछा, लगभग 30-40% जो साइंस होते हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर की स्क्रैप मार्किंग। जी सर, मैं बताना चाह रहा था कि वैसे जैसे ध्रुव को लगा था कि टाइगर स्कैट हाईएस्ट होगा, वैसे ही मैक्सिमम लोगों को यही लगा था और रफली अराउंड 42% रिस्पांस हमें उसके लिए मिला है और जो करेक्ट आंसर है उसके लिए 27% लोग ही आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, तो लोगों को लगा होगा कि टाइगर बहुत सारा खाता है तो पॉटी बहुत सारी करता होगा इसलिए शायद लोगों ने लगाया, बट द करेक्ट आंसर इज सी। जी जी The Olympic mascot shown here, it was inspired by, from which subspecies of tiger? जी सर, मैंने तो इसके लिए अपना साउथ चाइना टाइगर मार्क किया था। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर है आमूर टाइगर। एक्चुअली मैं बताऊं, ये जो मास्कट है होडोरी, ये जब साउथ कोरिया में ओलंपिक गेम्स हुए थे होडोरी था ये, और साउथ कोरिया का जो नेशनल एनिमल है हमारे इंडिया के जैसा ही वो भी टाइगर है, और वो टाइगर में भी अमूर टाइगर उनका नेशनल एनिमल है, तो उन्होंने भी अपने मास्कट में अपना जो नेशनल एनिमल को शोकेस करा था। सो अमूर टाइगर इज द राइट आंसर। और मैंने जानबूझ के हमने इसमें टेबल टेनिस खेलता हुआ फोटो डाला था ताकि लोग थोड़ा चाइनीज से कंफ्यूज हो सके। सो संकल्प, कैसा रहा इसका रिस्पॉन्स?
सर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने डाला था ये क्वेश्चन तो लोगों को लगा कि रॉयल बंगाल टाइगर आंसर होना चाहिए क्योंकि हम इंडिया के टाइगर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सर ये अमूल टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर नेक टू नेक थे सर। 36% लोगों ने रॉयल बंगाल टाइगर को किया और 38% लोगों ने अमूल टाइगर को किया, फिर मतलब हाईएस्ट तो फिर भी अमूल टाइगर को ही मिला है। ओके गुड, सो लोग ढूंढ पाए इसका जवाब। यस सर। मुगल एम्परर नूरजहां इज रिपोर्टेड टू हैव शॉट फोर टाइगर्स एट दिस मेडिवियल फोर्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट? I think Mandu is the right answer. Yeah, Mandu is the correct answer. तो नूरजहां ने मांडू फोर्ट में काफी समय बिताया था और जैसा कि आपको पता होगा कि उनकी डेथ भी बुरहानपुर में हुई थी जो मांडव से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मांडव फोर्ट में उन्होंने 4 टाइगर्स मारे थे, कहते हैं केवल 6 शॉट्स में 4 टाइगर मारे थे, तो उनका काफी अच्छी निशानेबाज थी वो, बट ये उस जमाने के हिसाब से सही था। आज के जमाने में तो टाइगर मारने पे आपको सजा मिलेगी चाहे आप राजा रानी ही क्यों ना हो, तो ये उस दौर की बात है जब ये अलाउड था। जी सर मैं इस पे बताना चाहूंगा कि मुझे भी लगा था कि ये फेयरली सिंपल होगा क्योंकि गूगल पे इसका आंसर थोड़ा भी सर्च करते तो मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, आई थिंक ज्यादा नहीं था, बट फिर भी सरप्राइजिंगली ग्वालियर को सबसे ज्यादा लोगों ने मार्क किया और सेकेंड नंबर पे गिन्नौरगढ़ को मार्क किया लोगों ने, एंड मांडू वॉज द थर्ड। आई मीन ओनली 22% पीपल कुड आइडेंटिफाई मांडू, सो मे बी लोगों को लगा होगा कि आगरा से करीब था ग्वालियर, तो मे बी ग्वालियर आना आसान रहा होगा। जी India has the highest number of free-ranging wild tigers. However, which country has the least number of free-ranging wild tigers among these? So it would be Nepal. नहीं अभय, एक्चुअली में नेपाल में तो बहुत अच्छी संख्या में टाइगर हैं, पूरा इंडिया से उसकी बॉर्डर लगी हुई जो तराई बेल्ट हम कहते हैं, तो चाहे हमारा कॉर्बेट हो या फिर हमारे दूसरे उत्तर प्रदेश और बिहार के पार्क हो, उनसे लगा है। अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब बड़ा डिफरेंट है, चाइना इसका सही जवाब है। चाइना में जो साउथ चाइना टाइगर ही मिलने की संभावना है, बट एज पर द एस्टिमेट चाइना में 0 टाइगर्स हैं क्योंकि कभी किसी ने कैमरा ट्रैप में या किसी दूसरी जगह देखे नहीं है। साइंटिस्ट ऐसा अज्यूम करते हैं कि वहां टाइगर होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम जानते हैं चाइनीज लोगों का उनका कल्चर ऐसा है कि टाइगर को मारना उनके लिए एक नॉर्मल बात है, तो शायद उन्होंने सबसे पहले अपने ही मार डाले। So China is the correct answer, but it's very unfortunate. The name the district in Madhya Pradesh where wild tigers have not been spotted in last 10 years. I think the right answer is Rajgarh. Yes, Dhruv, Rajgarh is the correct answer because ये बाकी तीनों जिले भी tiger ranging जिले नहीं हैं, पर अलग-अलग कारणों से इन जिलों में tiger घूमते हुए पहुंच गए। दतिया में तो लगभग काफी लंबा stretch रहा tiger वहाँ पे, और शाजापुर में भी हमने कुछ सालों पहले 5 सालों पहले टाइगर रेस्क्यू किया था, और 2018 में देवास से एक टाइगर घूमते हुए धार जिला और उसके बाद झाबुआ गया और उसके बाद गुजरात तक पहुंच गया था। सो द करेक्ट आंसर इज राजगढ़। फॉर्चुनेटली वहां एक सेंचुरी भी है बहुत खूबसूरत, बट संकल्प बताएंगे कितने लोगों ने सही जवाब दिया। सर आपने जैसे अभी बोला कि दतिया में तो काफी टाइम के लिए टाइगर रहा, पर आई थिंक बहुत कम लोगों को ये पता है क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने दतिया को राइट आंसर करेक्ट किया है 30%, बट सर इसमें सारे ही आंसर्स काफी नेक टू नेक थे और राजगढ़ को 24% लोगों ने किया और जो धार है उसको भी रफली 23.8% लोगों ने मार्क किया, तो राजगढ़ और धार ऑलमोस्ट सेकेंड पोजिशन पे रहे, दतिया को मैक्सिमम लोगों ने किया, बट करेक्ट आंसर इज राजगढ़। यस, तो ये कुछ ऐसे सवालों में था जिसका जवाब गूगल को भी नहीं दे पाना था, सो इसलिए आई गेस ये देख रहा। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का पन्ना एंड नॉरदेही आर नोन फॉर देयर टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, हाउएवर द वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइगर रीइंट्रोडक्शन वाज अटेम्प्टेड इन द प्रिंसली स्टेट, कैन यू नेम विच वन? नो आइडिया सर अबाउट दिस। ध्रुव आपने करा था ये? या इट्स आई थिंक डूंगरपुर राजस्थान, थर्ड ऑप्शन। या डूंगरपुर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। प्री इंडिपेंडेंस फेज में वहां पे उन्होंने टाइगर इंट्रोड्यूस करे थे और बहुत सक्सेसफुल रहा था, हालांकि बाद में समय के साथ वो टाइगर खत्म हो गए, बट डूंगरपुर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन टाइगर इंट्रोडक्शन, सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके
सर इसमें मैक्सिमम लोगों ने जयपुर को सिलेक्ट किया है, मैं उसका कारण तो नहीं बता सकता क्यों, बट रफली ऑलमोस्ट 70% लोगों ने जयपुर को मार्क किया था और डूंगरपुर को 30% लोगों ने। ओके चलिए Under Nora Dehi Tiger Reintroduction Program, a pair of tigers was released in that area in 2018. The released male and female tiger were originally from, it's I think Kanha and Bandhavgarh. नहीं ध्रुव ये wrong है, actually में जो male था वो तो Bandhavgarh से आया था, पर female की story बड़ी interesting है. Female tigress आई तो थी Kanha से, Kanha में Gorilla Training Center हम कहते हैं या Gorilla Enclosure कहते हैं, जहाँ पे जो बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं टाइगर के वहां हम उनकी रिवाइल्डिंग करते हैं, और तो ये जो फीमेल थी वो गोरेला रिवाइल्डिंग सेंटर से आई थी, पर इस प्रश्न में जो कैच था वो ओरिजिनली था, सो ओरिजिनली वो जो बच्चा था बाघीनाला फीमेल हुआ करती थी पेंच में, 2016 में एक पोचिंग केस में माँ और उसके दो बच्चों की डेथ हो गई थी, पर तीसरे बच्चे को हम रेस्क्यू करके ले आए थे और उसको हमने गोरेला एनक्लोजर में लगभग 2 सालों तक पाला, और जब वो 2.25 साल की हो गई तो उसे नौरा दही में छोड़ा, तो ओरिजिनली वो जो फीमेल थी वो पेंच से थी, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अब तो उसने बच्चे दिए हैं, 3 बच्चे हैं, और लगभग मेरा अनुमान है कि पिछले साल सितंबर महीने में बच्चे दिए हैं, तो 9 महीने के वो बच्चे हो चुके होंगे, तो अब नौरा दही में 5 टाइगर हैं, एक मेल फीमेल और 3 उनके बच्चे, तो अब नौरा दही भी धीरे धीरे करके एक बेहतर टाइगर हैबिटेट के रूप में डेवलप होता जा रहा है जी। सर इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों ने बांधवगढ़ एंड Kanha को सिलेक्ट किया, ऑलमोस्ट 52% लोगों ने बांधवगढ़ और Kanha को सिलेक्ट किया, एंड जस्ट 20% पीपल कुड आइडेंटिफाई कि बांधवगढ़ एंड पेंच इज द राइट आंसर। सो अच्छा है लोगों ने कोशिश तो करी, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दोस 20% पीपल जिन्होंने गूगल को सेकंड लेयर में ढूंढा। मैं हमेशा कहता हूं कि गूगल के पास सारे सॉल्यूशंस नहीं है, हमें थोड़ा सा एफोर्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि तस्वीर का असली रुख क्या है, तो इस केस में बांधवगढ़ एंड पेंच इज द करेक्ट आंसर जी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट और स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ए द रॉयल बंगाल टाइगर कैन सर्वाइव इन हाई एल्टीट्यूड आल्सो एज हाई as 3500 meters and above. ये meters है amounts है? Meter है. Okay. B. In India, other than the tigers, we find 3 more big cats, lion, leopard and panther. C. Free-ranging wild tigers don't scavenge. So, मैंने select किया था B and C. ओके संकल्प आप बताओ, स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग होगा इसका। यह सर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली इसको ए एंड बी को हाईएस्ट मिला है, रफली अबाउट 35% लोगों ने ए एंड बी को मार्क किया है कि हमारे उसमें बंगाल टाइगर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहता है और 3 मोर बिग कैट्स हमें इंडिया में मिलते हैं, एंड सर ऑल आर करेक्ट, मतलब तीनों आंसर्स को ट्रू माना है 26% लोगों ने, और ओनली 18% पीपल कुड आइडेंटिफाई दैट ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सो फॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने तो इसको सही बता पाए। एक्चुअली में रॉयल बंगाल टाइगर भूटान में 3500 मीटर या उससे भी ऊपर के एल्टीट्यूड में मिला है, तो रॉयल बंगाल टाइगर थ्राइव कर सकता है उतने हाई एल्टीट्यूड में भी, एंड पर बाकी दोनों चूंकि लेपर्ड और पैंथर एक ही चीज है, दो अलग अलग चीज नहीं है, सो ये कुछ स्टेटमेंट गलत था, और टाइगर्स भी स्केवेंज करते हैं जब उन्हें बहुत भूख लगी होती है, सो दे डोंट माइंड स्केवेंजिंग, तो ये बस एक मिथ है उनके बारे में कि वो स्केवेंजिंग नहीं करते हैं, रियलिटी इज समथिंग एल्स जी। सर मैं इसके पीछे स्टोरी आप अलाउ करें मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं क्यों चाहता था कि ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम रख पाए, और मैंने आपको इसलिए रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि मेरा बेटा सर स्कूल में अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, पर उसके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स को भी कोइंसिडेंटली ये नॉलेज अभी नहीं है कि लेपर्ड और पैंथर एक्चुअली एक ही एनिमल होता है,
तो एक बार मेरा बेटा आया घर लौट के और मेरे से गुस्सा करने लगा कि पापा आपने तो मुझे गलत बताया, इंडिया में पैंथर भी मिलता है और लेपर्ड भी मिलता है और लायन भी मिलता है और उसमें तो चीता का भी नाम लिया। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि लेपर्ड और पैंथर एक्चुअली अलग अलग एनिमल्स हैं। तो आई वॉन्टेड कि ये कंफ्यूजन लोगों का क्लियर हो तो अच्छा रहेगा। ग्रेट, सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which among the following statement about Mohan, the white tiger, is or are incorrect? A. The king of Rewa captured the Mohan from wild and it was first ever captured of a wild white tiger. The present day B. The present day Bandhavgarh is the area where Mohan was captured. C. Mohan and other white tigers of subsequent generation are not any subspecies of tiger but albinos. क्या लगाया आपने? ओके, सो सकल सर मैं बताना चाहूंगा कि ऑल थ्री आर करेक्ट को बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैक्सिमम आंसर्स ऑल थ्री आर करेक्ट पे लगाया लोगों ने, रफली ऑलमोस्ट 45% लोगों ने इसको बताया। ओनली ए एंड बी को भी काफी लोगों ने रफली अराउंड 30% के आसपास, ओनली बी को भी 13% लोगों ने आप समझ लीजिए कि मार्क किया है, बट जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल थ्री आर इनकरेक्ट उसको सिर्फ 9% रफली लोग आइडेंटिफाई कर पाए एंड ऑल थ्री आर इनकरेक्ट इज एक्चुअली द राइट आंसर। सो ध्रुव एक्चुअली करेक्ट किया था। सो ऑल थ्री आर इनकरेक्ट बिकॉज आप देखिए कि जो ये मोहन है इसे 1951 में कैप्चर किया गया था, जबकि 1915 में ही रीवा महाराजा ने पहली बार व्हाइट टाइगर कैप्चर करा था और इंडिया में दूसरे भी एग्जांपल्स हैं व्हाइट टाइगर को कैप्चर करने के। सो डेफिनेटली मोहन वाज नॉट द फर्स्ट वाइल्ड कैप्चर टाइगर। दूसरा, ये जो अभी इसको जहां से पकड़ा गया था मोहन को, वो अभी आज के संजय दुगरी टाइगर रिजर्व में मोहन नाम की एक जगह का नाम ही मोहन कर दिया गया, एक रेंज है वहां की, तो मोहन रेंज के इलाके से इसे पकड़ा गया था। सो द ऑप्शन बी इज रॉन्ग। और तीसरा जो है, हम मानते हैं कि हर वाइट चीज है तो वो एल्बिनो होगी, एक्चुअली में ये एल्बिनो नहीं है बल्कि ये म्यूटेंट टाइगर है। तो म्यूटेंट टाइगर और एल्बिनो टाइगर की आंखों के कलर में बहुत अंतर होता है, पिंक होता है एल्बिनो का और इसका ब्लू होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल थ्री आर इनकरेक्ट एक्चुअली। और जैसा कि संकल्प जी ने बताया कि केवल 9% लोग ही इसको सही क्रैक कर पाए। जी, among the following sanctuaries in Madhya Pradesh, which one is not a part of the tiger reserve? A. Gangua, B. Fen, C. Bori, and D. Panpatha. Sir, this answer is only A. Only A. Dhruv, आपने भी इसको करा attempt? Yes, it's all are part of tiger reserves. Yes. तो हमने ये क्वेश्चन इसी तरह से डक करने के लिए बनाया था ध्रुव। बेसिकली इसमें क्या है कि फेन इज नॉट पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। हालांकि फेन का मैनेजमेंट कान्हा टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट ही करता है, पर जो टाइगर रिजर्व नोटिफाई होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे नोटिफाई करती है। और गंगाऊ, बोरी एंड पनपथा दे ऑल पार्ट ऑफ सम टाइगर रिजर्व। गंगाऊ इज ऑफ पन्ना, पनपथा इज फ्रॉम बांधवगढ़ एंड बोरी इज ऑफ सतपुड़ा, बट फेन इज नॉट पार्ट ऑफ एनी टाइगर रिजर्व। हालांकि उसका मैनेजमेंट काना वाले करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड आई गेस इसका बहुत कम लोगों ने सही उत्तर दिया होगा संकल्प। यस सर, काफी लोगों को नहीं समझ में आया हमारे ये क्वेश्चन, कंफ्यूजन तो था। मैक्सिमम लोगों ने ऑल आर पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व को लगाया एंड ओनली ए को एक्चुअली 18% वोट्स मिले हैं और ओनली बी को 16.9%। तो ए एंड बी के बीच में काफी क्लोज रहा, पर फेन एक्चुअली थर्ड नंबर पे रहा हमारे टोटल रिस्पॉन्सेस में। तो आई थिंक यही हमारे 30 क्वेश्चन थे और अब मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों का क्या रिजल्ट है। और सभी हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे होंगे, सभी को क्यूरियोसिटी है, कल से हमारे पेज पे लगातार सब लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। सो रिजल्ट का जो फर्स्ट पार्ट था
जो हमारे इस कॉम्पिटिशन के ओवरऑल विनर थे उनका नाम हमने आज मॉर्निंग में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल प्रोग्राम था उसमें हमारे माननीय वन मंत्री जी ने डिक्लेयर करा था, और वो विनर है मिस शेफाली शुक्ला, गुड़गांव में रहती हैं वो, और उन्होंने 28 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया और इस तरह से वो इसकी ओवरऑल विनर है। और केवल एक ही पार्टिसिपेंट था, हमारे कुल लगभग 4075 पार्टिसिपेंट थे इस क्विज के, और केवल एक पार्टिसिपेंट ने 28 अटेम्प्ट कर पाए पूरे सही, तो उनसे भी गलती हुई, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने दो कौन से गलत करे, बट दो गलत हुए, और फिर कुछ लोग हमारे 27 पे थे और 28 पे, उस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे जो गोल्डन टाइगर तो शेफाली शुक्ला जी को मिला है, और उसके बाद में व्हाइट टाइगर अवार्ड कुल कितने लोगों को मिलना था संकल्प? 20 लोगों को सर, 20 लोगों को, 20 लोगों को, और उसके बाद में तीसरा हमारा ब्राउन टाइगर कितने लोगों को मिलना था? सर तीसरा हमारा था ऑरेंज टाइगर, टोटल 50 लोगों को मिले, 50 लोगों को मिलना था पर हमने 50 लोगों को दिया है, और जो तीसरा हमारा कंसोलेशन प्राइस था वो हमें कितने लोगों को देना था? 110 सर इनिशियली तो हमारा इनिशियल प्लान तो 110 लोगों को था, बट जैसा कि हम लोगों ने स्कोर्स देखे तो वो प्राइजेस बढ़ा के हमने 134 कर दिए, तो द ओनली रीजन बिहाइंड कि वो एक ही नंबर पे बहुत सारे लोग थे और हमें लगा कि केवल 24 प्राइस बढ़ा के यदि हम उस मार्क्स को कट ऑफ मान सके 22 को तो दैट विल बी गुड। तो उस तरह से ये जो हमारे टॉप 4 कैटेगरीज के विनर हैं इनके नाम हम अपने पेज पे अभी इस प्रोग्राम के बाद थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, बट आप सभी सर मैं इसमें अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों को पता होगा कि शायद भोपाल में अभी कंप्लीट लॉकडाउन है और हम लोग सब लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं और आज काफी सारे फंक्शंस भी थे, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि हम सारे प्राइजेस बना पाए और रेडी भी हो गए, पर कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से हम आज अपने जैसा आप बता ही रहे थे अभी जो स्कोर बेस्ड विनर्स हैं उनके नाम हम अपने पेज पे अभी कुछ देर में रिलीज करेंगे, रफली आधे घंटे बाद हम हमारा वाइट टाइगर प्राइस जो 20 लोगों को मिला है उसकी लिस्ट निकालेंगे, और उसके आधे घंटे बाद अराउंड 9:30 के अराउंड ऑरेंज टाइगर अवार्ड जो हम लोग देना चाह रहे हैं 50 लोगों के उनकी लिस्ट हम 9:30 के करीब पोस्ट कर देंगे, और कॉन्सोलेशन वाली अराउंड 10 o'clock आज ही। और सर जो बाकी जो हमारे जो प्राइजेस हैं टाइगर वॉन्डरर और टाइगर बडी अवार्ड उसको हम कल रिलीज कर पाएंगे, और उसके साथ साथ जो हमने अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को बताया था कि हम सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे पाएंगे उसकी लिंक भी सर कल एक्टिवेट हो पाएगी, बिकॉज कुछ सर्वर साइड इश्यूज हैं तो हमारी वेबसाइट अभी अपडेट होने में टाइम ले रही है। ठीक है संकल्प, हम जैसा संकल्प ने बताया आप इंतजार करिए थोड़ा सा, आपने बहुत इंतजार करा है दो दिनों तक, कल दोपहर तक सभी के प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, उसकी लिंक संकल्प शेयर कर देंगे हमारे पेज पे। ध्रुव आपको, अभय आपको और निर्वाण आपको मैं तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग बहुत हमारे लिए बड़ा सपोर्ट है, और पर मैं आप लोगों से एक और सपोर्ट आज चाहता हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जब भी आप उनसे मिलें तो आप उनको बताइए कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और टाइगर कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से जरूरी नहीं है हर किसी को जंगल में जाके ही वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करना, आप जहां पे भी रहते हैं यदि आप बात कर रहे हैं, यदि आप अपना लाइट स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, यदि आप पेपर वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे हैं वैसे ही करते रहें। अब आप और आपके दोस्त जिन्होंने हमें वीडियो बना के भी हेल्प किया और कई तरह से आप हेल्प कर रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू एवरीवन।